ब्रिटेन में पंजाब नेशनल बैंक की सहायक कंपनी ने 5 भारतीयों, 1 अमेरिकी और 3 कंपनियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पंजाब इंटरनेशनल लिमिटेड की ब्रिटेन में 7 शाखाएं हैं और पंजाब नेशनल बैंक इसकी पेरेंट कंपनी है। बैंक का दावा है कि इन लोगों ने बैंक को गुमराह करते हुए करोड़ों रुपए का कर्ज लिया और अब इन लोगों की बैंक पर कुल देनदारी 271 करोड़ रुपए हो गई है। आरोप है कि इन्होंने कर्ज लेने के लिए झूठे और गलत दस्तावेज पेश किए। खबरों के मुताबिक बैंक ने ये दावा अदालत में मामला दर्ज करते हुए किया है। अपने दावे में बैंक का कहना है कि ये कर्ज उन्नत श्रेणियों वाले थे, जिसे दक्षिण कैरोलिना में एक तेल रिफाइनिंग यूनिट लगाने और पवन ऊर्जा परियोजना विकसित करने और उसे बेचने के लिए दिया गया था। बैंक का दावा है कि कर्ज के लिए झूठे अनुमान लगाए गए और बैलेंस शीट को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इसके अलावा परियोजना की स्थिति के बारे में भी झूठ बताया गया। पीएनबी ने दावा करते हुए कहा कि निदेशकों और गारंटीदाताओं द्वारा दावेदारों के पैसे का गबन किया गया। ये कर्ज उन योजनाओं के लिए लिया गया जिसमें शुरू से ही धोखाधड़ी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।